नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। बिलारी में रुस्तमपुर खास निवासी के खेत की विद्युत लाइन बनाने में बाधा उत्पन्न किए जाने को लेकर पास के खेत के ही व्यक्ति पर लगाया आरोप। मामला बिलारी के रुस्तम नगर खास गांव का है, जहां छत्रपाल सिंह द्वारा एक निजी नलकूप संयोजन स्वीकृत कराया गया है, लेकिन विद्युत लाइन बनाए जाने के दौरान गाँव के ही रामवीर व वीरपाल द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। SDO बिलारी द्वारा भी एक पत्र बिलारी कोतवाली को भी लिखा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई ना हो पाने के कारण आज छत्रपाल द्वारा एक बार फिर से गुहार लगाई। जी बताएं, क्या है पूरा मामला? सर ये है कि हमारी जो लाइन है वीरपाल के जो खेत में जो ट्रांसफार्मर रखा है सर जी, उसके हिसाब से हमारा एस्टीमेट के हिसाब से लाइन और खम्भे सही गड़े हुए हैं। मतलब खम्भे जो है हमारे पहले से खेत में सर गड़े हुए हैं। ठीक है सर, ये लोग वीरपाल सिंह सनोप गिरधारी सिंह, रामवीर सिंह सनोफ लाल सिंह, ये लोग सर विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि लाइन हम तुम्हारी अपने खेत से नहीं निकलने देंगे। जेई साहब आए थे, आने के बाद पता नहीं सर ये लोगों ने क्या करा। जेई साहब से आके आए थे तो उस टाइम तो कह रहे थे आपकी लाइन सर्वे के हिसाब से सही है, खंबा आपके सही गड़े हुए हैं। SDO साहब के आदेश करने के बावजूद भी सर ये लोग फिर जेई साहब हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। SDO साहब ने आदेश थाने के लिए तो कर दिए हैं, पर जेई साहब आने के लिए थाने तैयार नहीं है, जो कि पुलिस को ले जाके हमारा ये खंभे और लाइन हमारे ट्यूबवेल चालू करवा सकें। जी बताएं, SDO साहब के आदेश होने के बाद भी कंज्यूमर की लाइन नहीं जुड़ पाई अब तक, ये क्या विवाद है, कैसे निपटारा होगा, क्या आदेश है आपका? PTW की लाइन है, फिलहाल किसान खेत में लाइन निकालने से मना कर रहा है। समझौता कराने का प्रयास किया गया दरोगा जी के मतलब उपस्थिति में, परंतु समझौता आज हो नहीं पाई। कल उच्चाधिकारियों से फिर से संपर्क स्थापित करके अग्रिम क्या रणनीति बनानी है इस पर बात करके उसके बाद से जैसा वो कहें उसने उस हिसाब से काम करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लाइन कंज्यूमर की उसके बाद खिंचवाई जाएगी। इधर बिलारी में पंजाब नेशनल बैंक के ATM पर व्यक्ति का ATM कार्ड निकालकर चुराया पिन नंबर और निकाले 40,000 रुपये। मोबाइल पर मैसेज आने पर चला पता, पीड़ित ने दी कोतवाली बिलारी में तहरीर, पुलिस ने जाँच की शुरू। मामला आज बिलारी के पंजाब नेशनल बैंक के ATM का है, जहां ग्राम सिहारी लद्दा निवासी वेद प्रकाश ने ATM कार्ड से पैसे निकाल रहे थे, लेकिन उसके खाते से 10,000 निकल गए लेकिन ATM से नहीं निकले। पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति ने बोलते हुए कहा कि दोबारा अपना बैलेंस चेक करो, तभी अज्ञात व्यक्ति ने ATM कार्ड चेंज कर लिया और उसका पिन कोड भी जान लिया और उसके खाते से 40,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित को इसका पता तब चला जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया। पीड़ित ने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन मैनेजर द्वारा सही व्यवहार नहीं किया गया। तब बाद में बिलारी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, बिलारी पुलिस ने जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। जी बता क्या है मामला? आज मैं जो ATM से अपने पैसे निकालने आया था। कब? कल। अच्छा, 2:56 थे जी। जी उस टाइम मैंने ATM अंदर किया था और मेरे पैसे निकलने का बैलेंस कट गया था। अच्छा, बैलेंस कट गया था मेरे खाते से लेकिन पैसे नहीं निकल पाए थे। अच्छा, फिर मैंने थोड़ी देर रुकने के बाद 10-15 मिनट मैंने देखा, मैंने कि पैसे मेरे चलो बाहर आ जाएंगे, उसे देखते देखते मैंने फिर दोबारा लगाया, मैंने खाता चेक कर लूँ कितना बैलेंस रह गया मेरा, आया नहीं आया वापस, तो मेरे मैंने चेक किया तो मेरा बैलेंस आ चुका था। इधर से पीछे से दो लड़के देख रहे थे, एक मेरा पिन कार्ड देख लिया, पिन जो मैंने भरा था जी, और दूसरे ने पीछे से एक वो निकाल लिया ATM और अपना उसमें डाल दिया जी, सेम PNB कम उसका ही था, उसका भी जी, मेरा भी सेम ATM वही था जी। उसके बाद वो वीडियो में देखा तो महसूस हुआ कि पीछे से निकाल लिया गया। तो आपका कार्ड बदल चुका था क्या? हाँ जी, कार्ड बदल चुका था मेरा। अच्छा, जो आपको जो आपके पीछे लड़के खड़े थे उन्होंने आपका कार्ड बदल दिया? हाँ जी, वो यहाँ लुक के देख रहे थे, वीडियो में देख रहे हैं, पीछे से छिपके देख रहे थे, ऐसे देखते हैं ना छिपके कोई चीज़, तो वो देख रहे थे पीछे से। आपको पता नहीं चल पाया? नहीं, मुझे पता नहीं पड़ा, वो कह रहे मदद कर दो, कोई नहीं जानता, जल्दी हो जाएगा, भीड़ ज़्यादा थी। जी। मैंने कि मदद किया, मैं जानता हूँ, मैंने निकाले भी हैं, मैं 2016 से चला रहा हूँ ना ATM को। जी जी। मैंने कि मैं निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने ज़रूर आके जल्दी निपट जाएगा बताया, फिर उन्होंने मेरा पिन कोड वो कर लिया, देख लिया जी। आपने बैंक अधिकारियों से शिकायत की? शिकायत की, उन्होंने दिखाया तो वीडियो क्लिप को, तो ये मैंने कर दी, कह रहे इसमें हम क्या करें, ये तो तुम्हारा किसी को ATM दे दिया निकल गया। अच्छा, ये हमने थोड़ी निकाल लिए। ये किसने शब्द कहे? ये जी वो उसने किए थे मैनेजर साहब ने। अच्छा, ये तो खूब अच्छी बात है, इसने समझाने के बाद, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसा काम करते हो लोग, इतना न्यूज पे बताते हैं, इतना हमने तो इस बारे में आपने थाने में तहरीर दी? हाँ जी, थाने में भी थी, थाने में देने के बाद भी वहाँ भी हमें वो हमारी ले ली तहरीर, फिर हमें
रिसीविंग तो कुछ दी नहीं जी। अच्छा। उसके बाद कह रहे जाओ हम देख लेंगे। मैंने कहा जी ये जो बीटी पुलिस हमें दे दो, हम भी थोड़ा देखेंगे थोड़ा जी जी जी, या बैठ गया दुकानदार तो बोलेंगे, या उसका कोई हुलिया दिखेगा तो हम भी कहीं फोटो पत्र उसमें निकलवाएंगे अखबार में। उन्होंने मना कर दी, हमारा काम है और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा काम इतना ही था। इधर आज बलारी में शिवसेना बलारी के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में हो रहे उनके कार्य की प्रशंसा की जा रही है। सभी शिव सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई तथा ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। शिवसेना के जिला उप प्रमुख राजीव सक्सेना ने बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उन्हीं के पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लिया तथा शिवसेना को मजबूत करने और देश के प्रति कार्य करने के लिए सभी से निवेदन किया। इधर बलारी में पिकअप गाड़ी ने बुलेट चालक को मारी जोरदार टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल। जानकारी के मुताबिक एक पिकअप गाड़ी जिसमें मछलियां भरी थी जो शाहबाद की तरफ से तेजी रफ्तार से आ रही थी, तभी बिलारी के हरोरा मोड़ पर पेट्रोल पंप के नजदीक बुलेट चालक मोहित ग्राम सरकड़ा निवासी जो बिलारी से अपने घर जा रहा था को मारी टक्कर, बुलेट चालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद रहे ग्राम प्रधान संजीव चौधरी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पिकअप गाड़ी को बिलारी कोतवाली ले आई। पिकअप चालक मौके से फरार, बुलेट चला रहा मोहित की स्थिति गंभीर को देखते हुए उसे सीएससी बिलारी से मुरवार रेफर कर दिया गया है।